आपका स्वागत है अर्बन टेरेन में। आज हम ये सीखेंगे कि आपके गियर्स का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे आप अपने साइकिलिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करें। पहला स्टेप, अपने नंबर्स को जानें। आपकी 21 स्पीड साइकिल के हैंडल बार पर आपको एक फ्रंट गियर शिफ्टर मिलेगा जो हैंडल बार के बाएं ओर में नंबर 1, 2 और 3 के साथ दिया गया होगा और दाएं ओर आपको एक रियर गियर शिफ्टर मिलेगा जो हैंडल बार के दाएं ओर में नंबर 1 से 7 तक के साथ दिया गया होगा। बाएं शिफ्टर आपके फ्रंट डिरेलर पर 3 चेन रिंग्स को नियंत्रित करता है जो यातायात के दौरान पेडल करने में कितनी आसानी है या कितनी कठिनाई है इसमें बड़ा परिवर्तन करता है, जबकि दाएं शिफ्टर आपके रियर डिरेलर पर चेन रिंग्स के समूह को नियंत्रित करता है जो आपके यात्रा में हल्के बदलाव करने के लिए अनुमति देता है। इन गियर नंबर्स को समझना और उनके प्रभाव को समझना इन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा स्टेप, सही गियर संयोजन का उपयोग करें। आइए समझते हैं कि गियर शिफ्टर्स कैसे काम करते हैं। गियर शिफ्टर पर 2 ट्रिगर होते हैं, ऊपर का इंडेक्स फिंगर लीवर और नीचे का थंब लीवर। बाएं गियर शिफ्टर जो फ्रंट गियर्स को नियंत्रित करता है इंडेक्स फिंगर ट्रिगर गियर को 3 से 1 तक कर देता है और थंब ट्रिगर गियर को 1 से 3 तक बढ़ाता है। दाएं गियर शिफ्टर पर जो पीछे के गियर्स को नियंत्रित करता है इंडेक्स फिंगर ट्रिगर गियर को 1 से 7 तक बढ़ाता है और थंब ट्रिगर गियर को 7 से 1 तक करता है। ढलान पर साइकिलिंग करते समय बाएं ओर के गियर्स पर गियर 1 का चयन करें और दाएं ओर के गियर्स पर 1 से 3 के साथ मिलाएं, जैसा कि वीडियो में स्पष्ट किया गया है। हम सुझाव देते हैं कि आप रोजाना सामान्य सड़क पर साइकिल चलाने के लिए अपने बाएं ओर के शिफ्टर पर बीच के गियर गियर 2 के साथ रहें। इसे दाएं ओर के गियर 3, 4 और 5 के साथ मिलाएं ताकि आप परफेक्ट पेडलिंग दबाव और गति ढूंढ सकें, जैसा कि वीडियो में स्पष्ट किया गया है। समतल माध्यमों पर जल्दी जाने के लिए एक उच्च गियर पर स्विच करें, बाएं ओर के गियर 3 के साथ और दाएं ओर के गियर 5, 6 या 7 का चयन करें ताकि आप हर पेडल घुमाने के साथ अधिक गति पैदा कर सकें। तीसरा स्टेप, सही, जल्दी और बार बार शिफ्ट करें। अपने गियरिंग कंपोनेंट्स के जीवन को बनाए रखने के लिए सही गियर शिफ्ट करना महत्वपूर्ण है। क्रॉस चेनिंग से बचें, जो एक ऐसी स्थिति है जहां चेन फ्रंट और रियर गियर्स के बीच वक्रमाकार रूप में होता है जो आपके ड्राइव ट्रेन पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। क्रॉस चेनिंग आमतौर पर वही होता है जब आप बड़े चेन रिंग के साथ सबसे बड़े रियर कॉक या छोटे चेन रिंग के साथ सबसे छोटे रियर कॉक का उपयोग करते हैं, तो हमेशा पहले स्टेप में सुझाई गई गियर संयोजनों का उपयोग करें। शिफ्ट करते समय सुनिश्चित करें कि शिफ्टर को इसके पूरे सीमा तक दबाया गया हो और गियर परिवर्तन करते समय कम से कम 2 बार पेडल घुमाने के बाद ही गियर चेंज करें। इससे चेन को अगले चेन रिंग पर उछालने या गिराने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। कुछ सुझाव आपके लिए। उल्टी पेडलिंग आपकी साइकिल को क्षति पहुंचा सकती है और आपकी सवारी को खतरे में डाल सकती है। हर गियर का एक विशिष्ट डिजाइन होता है जो एक दिशा में सहजता से एक साथ काम करने के लिए बनाया जाता है। जब आप उल्टी पेडलिंग का उपयोग करते हैं आप गियरों को मिस अलाइन करने का खतरा बढ़ाते हैं जिससे बेहतर गियर शिफ्टिंग में क्षति हो सकती है। स्थिर साइकिल में गियर बदलने से संभावित परेशानियां होती हैं और ड्राइव ट्रेन और चेन को क्षति हो सकती है। फ्रंट चेन रिंग्स आमतौर रियर कैसेट की तुलना में बड़े गियर अनुपात वाली होती है। बाएं शिफ्टर का प्रथम चयन करके आप अपने समग्र गियर अनुपात को बड़े समायोजन करने की अनुमति देते हैं जो दाएं शिफ्टर के साथ विवेकपूर्ण फाइन ट्यूनिंग के लिए मौका देता है। पहले आपके गियर संयोजन के आधार पर एक उपयुक्त फ्रंट गियर का चयन करके आप अपनी चेन और रियर डिरेलर पर दबाव को कम करते हैं। ऐसा करने से आपके कंपोनेंट्स बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उनका अधिक जीवनकाल होगा। बधाई हो, आपने साइकिलिंग के लिए सही गियर संयोजन का सही तरीके से उपयोग करने की कला को सीख लिया है।